वेलकम बैक टू अवर चैनल गदरिस मैथ फाउंडेशन एंड ब्रेन जिम। अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, अब इस लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में के ऊपर जो एग्जांपल्स है वर्ड प्रॉब्लम्स वो भी देखेंगे, फिर हम देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एग्जांपल्स कैसे पूछे जाते हैं, आपको पता है कि मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर इनमें क्या जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम में एक्सप्लेन किया है। तो एग्जांपल्स में आपको कभी हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, पूछेंगे परपेंडिकुलर फाइंड करो, या फिर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया रहेगा बोलेंगे बेस फाइंड करो, या बेस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको थ्री साइड्स दिए रहेंगे, मतलब थ्री मेजर्स रहेंगे और पूछेंगे कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो इस तरह के बहुत से हम एग्जाम्पल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लाइक करना कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए। सो इन पाइथागोरस थ्योरम वी ड्रॉ हियर अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी। ओके, सो राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, और बाकी की जो दो साइड होती है उसमें से एक होती है बेस और सेकंड होती है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर इन तीनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन ग्रीक मैथमेटिशियन जिसका नाम था पाइथागोरस, उसने 570 बीसी में इसका रिलेशन हमें बताया है जो हम आज भी पढ़ रहे हैं। तो वो रिलेशन क्या था, रिलेशन ये है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज जो साइड है उसके ऊपर अगर आप एक स्क्वायर ड्रॉ करो, तो यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, यहाँ पे इस तरह से ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आप हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला, तो इसके ऊपर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, आप इस स्क्वायर के हर एक साइड मान लो ये सेंटीमीटर की। ओके, अब मैं जो दूसरी साइड है उसके ऊपर मतलब बेस के ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, इसकी भी मान लो हर एक साइड ये सेंटीमीटर है। ओके, और फिर जो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर भी मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूं, तो इसकी भी हर एक साइड है मान लो ये सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर साइड के हमने यहाँ पे स्क्वायर्स बना लिए। अब पाइथागोरस ने क्या बताया है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसके ऊपर जो स्क्वायर होता है उसका एरिया, अब आपको मालूम है स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड, तो ये इंटू ये हो गया ए स्क्वायर। ओके, अब इसका जो एरिया है दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन बेस, तो बेस के ऊपर जो एरिया स्क्वायर है उसका एरिया भी ए स्क्वायर हो गया, और जो परपेंडिकुलर है उसके साइड परपेंडिकुलर साइड के ऊपर जो हमने स्क्वायर बनाया उसका भी एरिया ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो इस तरह से ये है। अगर मैंने इसको नाम दे दिया नाम ए बी सी, तो आपको पता है ए सी ए है, तो ए स्क्वायर मतलब हो गया ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, सो इट मीन्स दैट हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दो साइड होते हैं उसको हम उस ट्रायंगल के लेग्स भी कहते हैं। व्हाट इट नाउ वी विल सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी, मान लो कि ए बी और सी कोई भी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स है।
आज से टू फॉर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ए बी सी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे, जब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो मान लो कि ए बी सी में सी इज द बिगेस्ट साइड, तो बिगेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो बाकी जो दो साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होनी चाहिए। और राइट एंगल ट्रायंगल में बिगेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, मतलब एक तरह से ये ऐसी हो गया कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के समान है, इट मीन्स दैट द गिवन साइड्स फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए है, कुछ 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 5 हो गया 80, ये हो गया बी और ये हो गया ये, तो सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करो 25 होता है, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करो यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है, इट मीन्स दैट 3, 4 एंड 5 जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और सिर्फ ये तीनों ही ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म होता है, इसके अलावा और कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है जिससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म होता हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी विल सी सम एग्जांपल्स। एक्सरसाइज इज 12.3, दैट इज आई टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कोल्डोआ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एबीसी इज अ ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल एट सी। तो ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल हो गया है वर्टेक्स सी पे, ए बी की साइड दी है और एसी की साइड दी है, हमें बीसी की साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया एबीसी, लेकिन इस तरह से नाम देना है कि राइट एंगल सी पे होना चाहिए। तो ये अगर राइट एंगल है तो इसको हम नाम दे देंगे सी, और बाकी के जो दो वर्टेक्स है उसको नाम दे देंगे ए और बी, इस तरह से। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो, एसी कितनी है 7 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 7 सेंटीमीटर, ए बी है 25 सेंटीमीटर, सो हियर इज 25 सेंटीमीटर। अब आपको इस एग्जांपल में हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, हमें ड्रॉ करना मतलब फाइंड करना है बेस। तो वी विल राइट हियर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, देयरफॉर वी विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम इससे क्या लिख सकते हैं, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो राइट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, ओके, सो हाइपोटेन्यूज इज 25, सो 25 स्क्वायर इक्वल टू बेस तो हमें दिया नहीं, सो बीसी विल बी एज इट इज, ओके, प्लस परपेंडिकुलर 7 है तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस 49। अब हमें बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 49 को हम ट्रांसपोज करेंगे, सो वी विल गेट हियर बीसी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं, 625 माइनस 49, सो 15 माइनस 9 यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 12 माइनस 5 7, और यहाँ पे 5, तो आंसर आ गया 576। अब आपको क्या करना है, बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें स्क्वायर यहाँ से हटाना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो आप देख लो कि 576 किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके लिए हम 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उस तो यहाँ पे एक मेथड है, 576 लिखिए, राइट टू लेफ्ट दो डिजिट के ग्रुप बनाओ और एक ही नंबर बचिए तो एक डिजिट का बनाओ। अब यहाँ पे देखो 5 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे लिखा 2 2 2 2 4, और ये 2 इसमें ऐड कर दो, सो यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो गया, इस तरह से लिखना है, यहाँ पे जगह छोड़ना है, 5 माइनस 4 हो गया 1, और यहाँ पे लिया हमने 76।
अब 4 के सामने हमें ऐसी नंबर लिखनी है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 176 मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, 4 4 16 6 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, तो हमारा आंसर आ गया 24। तो यहाँ पे 4 लिखो और 4 इसमें ऐड करना है, तो ये हो गया 176, ये हो गया 0 और ये हो गया 48। तो ये जो आंसर आता है ये इसका ट्वाइस होता है। सो हियर वी विल राइट 24 स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर हट गया, तो यू गेट बीसी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमें जो बेस चाहिए था वो हमें मिल गया। बट अब वी विल से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर रीच अ विंडो 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो मान लो कि ये ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड से विंडो है 8 मीटर हाइट पे। इस तरह से यहाँ पे मैं विंडो दिखा देता हूं, तो मान लो कि यहाँ पे लिया मैंने पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे विंडो है, और यहाँ पे ले लिया मैंने बी और ये हो गया 8 मीटर। ठीक है, सो आई विल राइट हियर ग्राउंड एंड दिस इज विंडो। ओके, नेक्स्ट इज दैट, तो एक 10 मीटर लैडर विंडो तक जाती है, तो आपको पता है कि लैडर हम ऐसे स्लैंटिंग में रखते हैं, सो यहां से लैडर यहां तक पहुंच गई इस तरह से, सो दिस इज अ लैडर। अब क्वेश्चन क्या है, अब लैडर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, सो आई विल राइट हियर 10 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, मतलब ये जो लैडर है ये ग्राउंड से मतलब इस पॉइंट से यहां तक एक्स मीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हो गया एक्स और इस पे नाम दिया हमने पॉइंट सी। सो फाइंड द डिस्टेंस एक्स, तो हमें इस यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और ये हो गई वॉल, एक्चुअली दिस इज अ वॉल। ओके, दिस इज अ वॉल, तो इसे फाइंड करना मतलब हमें एक तरह से यहाँ पे बेस को फाइंड करना है। सो इसको हम लिखेंगे कैसे, सो एसी इज अ लैडर, एसी इज लैडर, ओके, एंड एसी इज इक्वल टू 10 मीटर। फिर क्या दिया है, ए बी इज अ वॉल, ओके, और यहाँ ए पॉइंट पे विंडो है, ए बी इज वॉल, ओके, एंड एट पॉइंट एट ए इज विंडो, और हमें जो वॉल है उसकी लेंथ दी है मतलब विंडो है 8 मीटर की। अब क्वेश्चन क्या है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो बी सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें इसको फाइंड करना है। सो आपको पता है ये वॉल यहाँ पे बनता है राइट एंगल, सो वी विल राइट हियर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर वी कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे, सो यू गेट हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी और उसकी वैल्यू दी है 10, सो विल राइट हियर 10 स्क्वायर इक्वल टू बेस दिया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 8 उसका स्क्वायर, सो यू गेट हियर 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, देयरफॉर यू गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब 64 को ट्रांसपोज कर दो, सो 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 36, और आपको पता है 36 इज अ स्क्वायर ऑफ 6, सो यू गेट हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 6, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। गॉट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, अगर ए बी और सी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एबीसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, तो यहाँ इसी को हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे ए इक्वल टू लिखेंगे 3,
बी इक्वल टू 7 एंड सी इक्वल टू 9। तो सबसे पहले तो हम सी स्क्वायर फाइंड करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81। अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर वी विल राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज 3, 3 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ बी इज 7, 7 स्क्वायर वैल्यू पुट अप करो 9 और फिर यहाँ पे 49 और इनके एडिशन करो 49 प्लस 9 होता है 58। ओके तो दोनों का आंसर सेम नहीं है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस एग्जांपल में सी का जो स्क्वायर है वो ए और बी के स्क्वायर के सम के बराबर नहीं है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 3, 7, 9 नॉट फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये इक्वल हो जाता तो हम लिखते फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और यहाँ पे लिख लेते सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Got it? So, how was our today's video? If you loved it, then don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for notifications of next video. So, मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में, तब तक के लिए बाय बाय।